हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम उपमा बनाएंगे। उपमा बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें बिना घी या तेल के एक कप सूजी को डालकर फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे हम इसको ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे हल्का ही फ्राई करेंगे। अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो फ्राई हो चुकी है, अब हम उपमा बनाएंगे। इसके लिए कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें एक चम्मच घी डालेंगे। आप चाहे तो तेल भी डाल सकते हैं। अब इसमें एक चम्मच राई, एक चम्मच उड़द दाल और एक चम्मच चना दाल डालकर थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें 4 से 5 करी पत्ता डालेंगे। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच मूंगफली के दाने डालेंगे। अब इसमें 2 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। और सभी को थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब मूंगफली चटकने लगे तब इसमें 1 बड़ा चम्मच उबले हुए मटर डालेंगे। अब इसमें 1 गिलास पानी स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और इसे अच्छे से उबलने देंगे। देखिए ये उबल चुका है। अब हम इसमें सूजी डालेंगे जिसे हमने अभी फ्राई किया था। ध्यान रहे इसे डालते समय इसे लगातार चलाते रहेंगे। बन चुका है, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए एक बाउल लेंगे। ध्यान रहे हम स्टील का ही बाउल लेंगे। बाउल को हम ऊपर तक एकदम भर लेंगे और उपमा को इस तरीके से हर जगह से एक साथ भर देंगे। अब एक सर्विंग प्लेट लेंगे और
और उसमें उपमा को निकाल देंगे। उपमा बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप इसे सुबह ब्रेकफास्ट में इजीली बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।